गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बच्चों? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं हम, और आज हम डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हमने लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, और लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या समझा कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने ये भी समझा कि ये किस तरीके से होता है। तो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कशन किया था। अब इसी से रिलेट करता हुआ लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये दिया था पीटर मिचेल ने। किसने दिया था? पीटर मिचेल ने, ठीक है। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों जो ग्रेना पार्ट है उसके अंदर थायलेकोइड जो मेम्ब्रेन है वहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम है, जो जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, जो H प्लस आयन है, वो थायलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो है इकट्ठे होते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, ग्रेना के इनर साइड में, इनकी थायलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो H प्लस आयन है, जो प्रोटोन है, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं बेटा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेना के अंदर की जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और जो स्ट्रोमा पार्ट है उसकी पीएच डिक्रीज हो जाती है, और बच्चों एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण से क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड होते हैं और एटीपी को फॉर्म करते हैं। इसके लिए एटीपेज कॉम्प्लेक्स होता है जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन के किनारों पर होता है, मार्जिन पर होता है, और जहां पर एटीपेज एंजाइम का नाम क्या है, एटीपेज एंजाइम और एटीपेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा इस थ्योरी को, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, और एक दो दिन में मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा इस चैप्टर के, ठीक है। हाँ, ये महक नाज तबस्सुम अपने वीडियो ऑन रखो भाई, युवराज कुंदन वीडियो ऑन कर लो अपने सारे। अब हमें भी मन कर रहा है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, मैं कईयों को तो जानता भी नहीं हूं, तो कम से कम पहचान में तो आने चाहिए ना। हाँ, तब तुम वीडियो ऑन करो नाज। हाँ, तो बच्चों दोबारा सुन लीजिए, ग्रेना की थायलेकोइड जो मेम्ब्रेन है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, उनके मार्जिन पर एटीपेज कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, और मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन चैनल होते हैं। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम है, H प्लस आयन है, वो थायलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठे होते हैं, वहां पर H प्लस आयन बढ़ने से वहां की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो बाहर स्ट्रोमा है वहां पर डिक्रीज हो जाती है। तो इस H प्लस आयन के एक्यूमुलेशन के कारण से एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है, और उस प्रोटोन ग्रेडियंट के बनने के कारण से एटीपेज एंजाइम के द्वारा एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द एटीपी, और वो क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। क्लियर होगी बात? तो दिस इज द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसे हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, एंड इट वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। ओके, अंडरस्टूड, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन कैसे होती है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन होते हुए जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये मैं आगे नेक्स्ट समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अपन सेकंड कर रहे हैं डार्क रिएक्शन और डार्क फेज।
डार्क रिएक्शन और डार्क फेज, या बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों थ्री स्टेप्स हैं। पहले अपन C3 साइकिल को डिस्कस करेंगे। C3 साइकिल को डिस्कस करेंगे अपन, है ना, एंड C4 साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, 11th क्लास, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है और इसमें ATP और NADPH के यूज के द्वारा ग्लूकोज का ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इसके अंदर पहले मैं बात करूंगा C3 प्लांट की, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है। ऐसे प्लांट जो नॉर्मल प्लांट हैं, जो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, और उनके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 के ऐड होने पर, वो क्या होता है, 3 कार्बन का होता है। इसे हम, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए इन प्लांट को हम कहते हैं C3 प्लांट, और इन प्लांट में जो साइकिल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड C3 साइकिल, उसे हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। और इसमें जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज होता है, जो सुगर यूज होती है वो 5 कार्बन की सुगर होती है, जिसे हम राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज कहते हैं, ठीक है बेटा। मैं आगे साइकिल में और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरीके से जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल C4 प्लांट में पाया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर की रेंज में जनरली जो प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया है, जो रेगिस्तान के प्लांट है, उनमें C4 साइकिल पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। और C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, ठीक है ना। और इसी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं, क्लियर होगी बात। और जो रॉ मटेरियल या जो सुगर यूज आती है, जो बायोमोलिक्यूल यूज आता है, वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, जिसके साथ में CO2 ऐड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आज स्टार्ट करेंगे C3 साइकिल को, ठीक है। फर्स्ट हम ले रहे हैं C3 साइकिल, ये किसने दिया ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों C3 साइकिल स्टडी किया मेल्विन केल्विन ने, किसने किया, मेल्विन केल्विन ने, ये साइंटिस्ट हैं, और इसी कारण से इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर थ्री स्टेजेस हैं, एक तो है कार्बोक्सीलेशन। बच्चों इस डायग्राम को आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करना अभी साइकिल को, वैसे मैं नोट्स भी सेंड करूंगा आपको, तो इसमें मैं एग्जैक्ट आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में सारी डिटेल दे दूंगा कि कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। हाँ बच्चों आप एक रफ कॉपी लेके बैठे और C3 साइकिल में ड्रॉ करो, मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक एक चीज की कैलकुलेशन में समझा दूंगा कि कितने मॉलिक्यूल बने हैं, कितने ATP यूज आ रहे हैं, ठीक है। C3 साइकिल दिया था मेल्विन केल्विन ने, C3 साइकिल दिया था मेल्विन केल्विन ने। धनंजय बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखो आप, ठीक है। हाँ वीडियो ऑन रखो बेटा, और दिशांत वीडियो ऑन रखो, कुमकुम कुंदन कोई दिक्कत नहीं है आपको। बच्चों C3 साइकिल मेल्विन केल्विन ने दिया था और इसी वजह से इस साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। तो इस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट जो रॉ मटेरियल काम आता है वो एक 5 कार्बन की शुगर है, जिसका नाम है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। और जो यहां पर एंजाइम यूज आता है वो है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो मैं बेटा पहले साइकिल ड्रॉ करूंगा और फिर और चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर सपोज करो राइबुलोज
1,5-bisphosphate. ये 5 कार्बन की शुगर है बेटा और इसमें 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहां पर बच्चों 6 CO2, ठीक है, और 6 H2O या 12 H2O भी कर सकते हो, ठीक है। यहां बनेगा 3 फॉस्फो, आप साथ साथ में बनाते रहो, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। ये बच्चों 3 कार्बन का है और इसके बनेंगे 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन होने पर ATP खर्च हो जाएंगे, दिशांत वीडियो ऑन रखो अपना, ठीक है बेटा। 12 ADP तो ये हो जाएगा आपके 1-3-diphosphoglyceric acid, ठीक है। ये सब 3 कार्बन के ही हैं और इसमें भी 12 मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है। और अब इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन में 12 NADPH NADP+, ठीक है बेटा। और इससे क्या बनेगा, 3-phosphoglyceraldehyde, ग्लिसरेल्डिहाइड, ये आ जाएंगे 10 मॉलिक्यूल,
बच्चों इधर देखिए, इधर देखिए, इस साइकिल को आप ध्यान से समझिए कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट, ये 5 कार्बन की सुगर है और अपन ले लेते हैं 6 मॉलिक्यूल, या ठीक है ना, 6 मॉलिक्यूल इसके हैं 5 कार्बन के। इसके साथ में ऐड होते हैं 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, ठीक है, और यहां पर एक आ जाएगा रूबिस्को एंजाइम। तो 6 कार्बन ये हो गए, और मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो गए, 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल ये हो गए, तो टोटल 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना। तो उनसे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल वाला बनेगा, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, और इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल का, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, 12 मॉलिक्यूल है, इसका फॉस्फोराइलेशन होगा और 12 ATP खर्च होंगे। तो 12 ATP खर्च होने पर ये जो फॉस्फेट है ये इनके साथ में ऐड होगा और क्या बन जाएंगे, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, ये भी 12 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। इसके बाद में इनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ये बच्चों राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ में CO2 का ऐड होना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सीलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सीलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर बच्चों 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बने, यहां पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होने पर 12 NADPH फिर से खर्च होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन इनमें ऐड हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 12 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के 12 मॉलिक्यूल है ये। अब बच्चों देखिए, 12 मॉलिक्यूल में से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल के वो 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे हम ग्लूकोज कहेंगे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के द्वारा, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, 3-फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड में से 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे 3 कार्बन के, और वो 6 कार्बन के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी पीछे बच गए 10 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड के, ये 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल है, तो 3×10 यानी कि 30 कार्बन हो गए। तो इनसे बच्चों रीजनरेशन होगा, क्या होगा, रीजनरेशन होगा, और क्या बनेगी, 5 कार्बन की सुगर बनेगी, क्या बनेगी, 5 कार्बन की सुगर बनेगी, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, ठीक है। तो 5 कार्बन की राइबुलोज ग्रुप फॉस्फेट ये बनेगी, जिसमें 6 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो ये कैसे बना, 10 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के, 3×10 यानी कि 30 कार्बन से 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहां पर फिर से 6 ATP खर्च होंगे और क्या बन जाएगा, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात आपके। तो इस तरीके से बच्चों ये केल्विन साइकिल पाया जाता है, और इसको मैं रिपीट भी कर दे रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए इसको। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहां पर ATP की कैलकुलेशन देखिए कि CO2 के फिक्सेशन के लिए, इसमें CO2 के फिक्सेशन के लिए बच्चों टोटल चाहिए 18 ATP। कितने ATP चाहिए, टोटल 18 ATP चाहिए। 12 ATP तो चाहिए रिडक्शन के लिए, 12 ATP चाहिए रिडक्शन के लिए, क्लियर होगी बात आपके, और 6 ATP चाहिए रीजनरेशन के लिए। तो 18 ATP यूज आते हैं CO2 के फिक्सेशन में, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बनाने में, ठीक है। इसके अलावा जो NADP है चाहे, ये टोटल 12 चाहिए, 12 NADPH चाहिए रिडक्शन के लिए, तो 12 NADPH, क्लियर होगी बात आपके। तो इस तरीके से बच्चों टोटल 18 ATP एंड 12 NADPH खर्च होता है। मैं इस साइकिल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। केल्विन साइकिल में सुगर काम आती है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन की सुगर है, 6 मॉलिक्यूल है इसके, तो 6×5 का कितने हो गए, 30 हो गए। अब 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 से CO2 ऐड हो रही है, तो टोटल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये 6 कार्बन के
मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल में। तो पहला जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पर 12 एटीपी खर्च होंगे और क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल। इन 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल का फिर से रिडक्शन होगा और यहाँ पर 12 एनएडीपीएच खर्च होगा और एनएडीपी प्लस बनेगा, इससे क्या बन जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके। इन 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के बाहर निकल जाएंगे और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी जो पीछे बच गए वो हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 10 मॉलिक्यूल। तो 3 कार्बन × 10 यानी कि 30 कार्बन हो गया, तो 30 कार्बन से रीजनरेशन होगा और 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे RUBP के, राइबोनोब्यूस फॉस्फेट के। यहाँ पर फिर से 6 ATP खर्च होंगे और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और क्या बन जाएगा, राइबोज 1,5 बेस फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए साइकिल को हम, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का, इसलिए C3 साइकिल भी कहते हैं और साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड करके इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो। हाँ बच्चों, अब देखिए आपको कि जो C3 साइकिल है, ये जो नॉर्मल 20 से 25 डिग्री और 30 डिग्री पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, जो हायर टेम्परेचर पर प्लांट है उनके अंदर एक अलग साइकिल पाया जाता है जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं या C4 पाथवे कहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज और बच्चों, यहाँ कॉम्पिटिशन का पार्ट क्या है C3 साइकिल में, कि ATP कितने यूज आए 18 और NADPH कितने खर्च हुए 12, ये पार्ट ध्यान रखना आप। ठीक है, और इसको किसने स्टडी किया, मेल्विन केल्विन ने किया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है और इसके कारण से जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है कि जो प्रोडक्ट बने हैं उनका लॉस हो जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, टॉपिक का नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये दिया था डेकर एंड टीओ ने, किसने स्टडी किया, डेकर एंड टीओ ने इसको स्टडी किया फोटो रेस्पिरेशन को, और इसे हम, हाँ, और उन्होंने बताया कि जो C3 प्लांट है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है और इससे जो प्रोडक्ट बने हैं उनका लॉस होता है और जो एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में वो बहुत ही कम अमाउंट में बनती है, लेस अमाउंट में बनती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उनका लॉस हो गया इस प्रोसेस के कारण से, तो रेस्पिरेटरी लॉस इसमें देखने को मिलता है और जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होती है। तो ये एक स्टेप है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता, तो C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है और जो रेस्पिरेटरी लॉसेज हैं वो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज है डेकर एंड टीओ। ठीक है, अब C4 पाथवे है, इसको अपन वैसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जो नेक्स्ट जो पाथवे है वो है, इसे हम कहते हैं C4 पाथवे और C4 साइकिल और C4 साइकिल। इसके साइकिल को तो हम कल डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें मैं बता देता हूं ये कहां पाया जाता है C4 साइकिल। इसे हम हैच एंड फ्लैक भी कहते हैं क्योंकि हैच एंड फ्लैक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया, स्टडी किया हैच एंड फ्लैक पाथवे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो क्या है बच्चों, जनरली ग्रीन लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, उन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन C4 जो प्लांट है इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी, ये ध्यान रखना, C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल्स के अलावा मीजोफिल सेल्स के अदर जो है इनमें बंडल सीथ सेल्स पाई जाती है जो राउंड फॉर्म में होती है बंडल सीथ। तो मीजोफिल सेल्स के अलावा बंडल सीथ सेल्स पाई जाती है
और मीजोफिल सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होते जो कैल्विन साइकिल के लिए जरूरी हैं, वो एंजाइम होते हैं बंडल सीट सेल्स के अंदर। तो इसलिए इस ये जो साइकिल है दो सेल्स में कंप्लीट होता है, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सीट सेल्स। तो बंडल सीट सेल्स है वहां पर सी3 साइकिल के एंजाइम होते हैं, तो वहां पर सी3 साइकिल तो होता है, लेकिन इससे पहले जो कंपाउंड बनते हैं वो 4 कार्बन के होते हैं, और इसी वजह से इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, C4 पाथवे और C4 साइकिल कहते हैं। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान रखें। तो क्रेंज एनाटॉमी इनमें पाई जाती है, बाकी की जो चीजें हैं वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है वो प्लीज आप पूछ लीजिए।